हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, सीएमसी वेल्लोर के एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग व अलाइड हेल्थ साइंसेज डिग्री कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इन कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 26 मार्च 2020 है। एमबीबीएस में एडमिशन नीट 2020 के स्कोर पर होगा और बाकी कोर्सेज जैसे बीएससी नर्सिंग, अलाइड हेल्थ साइंसेज डिग्री कोर्सेज और पीजी कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम सीएमसी वेल्लोर द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर आप सीएमसी वेल्लोर में एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अभी सीएमसी वेल्लोर की वेबसाइट पर 26 मार्च 2020 से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट एमबीबीएस एडमिशन के लिए एलिजिबल है। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि सीएमसी वेल्लोर में एमबीबीएस एडमिशन नीट स्कोर पर होगा, लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन आपको एडवांस में अभी से करना होगा, नहीं तो आप सीएमसी वेल्लोर में एमबीबीएस एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस वीडियो में मैं आपको इस की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ इसमें एमबीबीएस एडमिशन के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, इसकी रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और मैथ चार्जेस क्या रहेगा, इसमें सीटें कितनी हैं, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करें। तो आपको सबसे पहले admissions.cmcvellore.ac.in की वेबसाइट पर विजिट करना है। यहाँ अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स ग्रुप ए पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड एडमिशन बुलेटिन पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, ये एडमिशन बुलेटिन डाउनलोड हो जाती है। इसमें हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 12 फरवरी 2020 को स्टार्ट हो गए थे, लास्ट डेट इनकी 26 मार्च 2020 को है। इसमें लास्ट डेट सबमिशन डॉक्यूमेंट्स की 2 अप्रैल 2020 है। ये डॉक्यूमेंट सभी को सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आगे लिखा है कि जो एमबीबीएस का शेड्यूल है, वो एमबीबीएस का शेड्यूल इस प्रकार का है कि आपको अभी सीएमसी वेल्लोर की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन तो करना ही है एमबीबीएस के लिए, लेकिन जो एडमिशन किया जाता है वो तमिलनाडु की काउंसलिंग अथॉरिटी द्वारा करवाया जाता है। तो आपको जैसे ही नीट का रिजल्ट आ जाता है, सीएमसी वेल्लोर की वेबसाइट पर अभी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेंगे। उससे आपको रिजल्ट आ जाने के बाद में यहाँ नीट स्कोर अपडेट करना होगा। उसके बाद में आप तमिलनाडु की जो काउंसलिंग अथॉरिटी, काउंसलिंग कमेटी द्वारा एडमिशन शुरू होंगे, रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, वहाँ पर आपको फिर से सीएमसी वेल्लोर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए। और फिर वो काउंसलिंग के जो AR नंबर वगैरह हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर रिंक है, वो रैंक आपको यहाँ सीएमसी वेल्लोर की वेबसाइट पर अपडेट करनी है। ये आपको समय समय पर हम बता देंगे, लेकिन आपका अभी काम यही है कि सीएमसी वेल्लोर की वेबसाइट पर आपको अभी रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। तो ये कार्रवाई तो थी एमबीबीएस के लिए। जो बाकी आप इसमें अगर बीएससी नर्सिंग, AHS डिग्री कोर्सेज या फिर जो बाकी पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इसमें अलग अलग डेट है। ग्रुप ए में जो आते हैं बीएससी नर्सिंग और अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्स आते हैं, वो 12 मई 2020 को मॉर्निंग में एग्जाम है। और जो बी ग्रुप के कोर्सेज हैं, डिप्लोमा है, AHS है, MPH कोर्सेज हैं, उनके लिए ये 12 मई को ही आफ्टरनून में एग्जाम है। इसमें अलग अलग दे रखा है। इसमें लिस्ट अनाउंसमेंट ऑफ लिस्ट स्टेज टू के लिए बीएससी नर्सिंग के लिए 26 मई है, 18 मई AH कोर्स के लिए। तो इस प्रकार से इसमें एडमिशन क्लोज वगैरह की ये सारी डेट दी गई है एंट्रेंस एग्जाम की, यानी कि जो एमबीबीएस के अलावा कोर्सेज हैं उनका एंट्रेंस एग्जाम लगेगा, उसका ये शेड्यूल इसमें दिखाया गया है। अभी हम बात करेंगे एमबीबीएस एडमिशन के बारे में। इसके लिए जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है वो ये है कि नीट 2020 में 50% स्कोर होना चाहिए, SC ST के लिए 40% स्कोर होना चाहिए। इसके अलावा 12th क्लास में PCB और इंग्लिश में इंडिविजुअली पास होना चाहिए और PCB में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। BC MBC SC ST कैटेगरी के लिए PCB में
ट्वेल्थ क्लास में 40% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, यानी इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो एलिजिबिलिटी है वो नीट की सेम ही है। अब इसके हम सीट की बात करें तो इसमें ओपन कैटेगरी की 16 सीट है। इसमें ऑल इंडिया का किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एक इसमें सेंट्रल पूल कोटा स्कीम के तहत सीट है। इसके अलावा 3 सीट एससी एसटी कैटेगरी की हैं, तो टोटल इसमें 16 सीट ओपन कैटेगरी की हैं। इसके बाद में 74 सीट इसमें माइनॉरिटी नेटवर्क की हैं। माइनॉरिटी नेटवर्क में चर्च द्वारा स्पॉन्सर्ड किए हुए कैंडिडेट आते हैं इसमें। इसके अलावा सीएमसी स्टाफ की 10 सीट हैं इसमें, ये टोटल मिला के 100 सीट हैं इस मेडिकल कॉलेज में। ये कोर्स का ड्यूरेशन 4.5 साल प्लस 1 साल की इंटर्नशिप है। इसके बाद इसकी फीस की बात करें तो ट्यूशन फीस एडमिशन ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर में 48,330 रुपीज़ होगी। इसके अलावा जो अदर ईयर्स हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर, तो इसकी 31,000 रहेगी फीस पर ईयर की। इसके बाद में जो मैथ्स की फीस होगी मंथली वो 600 रुपीज़ मैन और वुमेन दोनों के लिए रहेगी इसमें। इसके अलावा एमबीबीएस के अलावा जो बाकी कोर्सेज हैं बीएससी नर्सिंग कोर्सेज बीओटी बीपीटी बीएससी एमएलटी, तो इनमें ये सीट वगैरह ड्यूरेशन वगैरह फीस वगैरह ये सारी दी हुई हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें सभी कोर्सेज के लिए फीस वगैरह दी हुई हैं। अभी हॉस्टल के लिए एमबीबीएस स्टूडेंट को लिए मेन कैंडिडेट के लिए 10,000 डिपॉजिट करना होगा सिक्योरिटी के बेसिस पे। इसके बाद में वुमेन के लिए 8,000 रुपीज़ आपको यहाँ डिपॉजिट करना होगा एमबीबीएस कोर्सेज के लिए। अभी इसमें बाकी जो ग्रुप बी में कोर्सेज हैं उनकी भी आप डिटेल देख सकते हैं, यहाँ कौन से कोर्सेज हैं कितना इनका ड्यूरेशन है। अभी इसकी रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फीस 800 रुपीज़ डिपॉजिट करनी होगी इसमें। इसके बाद में 500 रुपये अगर आप ए ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं एमबीबीएस बीएससी नर्सिंग एएस डिग्री कोर्सेज के लिए, तो आपको 500 रुपये अलग से देने होंगे। तो इस प्रकार से इसकी रजिस्ट्रेशन फीस आप अगर एमबीबीएस बीएससी नर्सिंग वगैरह कोर्स के लिए कर रहे हैं तो 1,300 हो जाएगी। अगर आप बी ग्रुप के लिए कर रहे हैं तो 800 रुपीज़ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फीस तो देनी होगी प्लस 100 रुपीज़ ग्रुप बी के लिए, तो 900 रुपीज़ देनी होगी जो ग्रुप बी के कोर्सेज हैं। तो यहाँ एमबीबीएस के लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो 1,300 रुपीज़ आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। अब मैं आपको यहाँ पर एमबीबीएस के लिए स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ। अभी आपको 26 मार्च 2020 तक सीएमसी वेल्यूर की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। नीट 2020 का रिजल्ट आ जाने के बाद सीएमसी वेल्यूर की वेबसाइट पर नीट स्कोर अपडेट करना होगा। इसके बाद तमिलनाडु स्टेट द्वारा तमिलनाडु सिलेक्शन कमेटी एमबीबीएस एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाता है, वहाँ पर आपको सीएमसी वेल्यूर के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। तमिलनाडु सिलेक्शन कमेटी द्वारा एआर नंबर और रैंक अलॉट की जाएगी। ये एआर नंबर और रैंक आपको सीएमसी वेल्यूर की वेबसाइट पर अपडेट करने होगी। इसके बाद तमिलनाडु स्टेट द्वारा काउंसलिंग करवाई जाएगी और नीट 2020 मेरिट बेस पर एडमिशन दिया जाएगा। इसमें हम आगे देखते हैं तो इसमें जो सीट्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 16 सीट्स हैं। इसमें 3 सीट एससी एसटी कैटेगरी के लिए हैं, 1 सेंट्रल पूल कोटा के लिए है जो सेंट्रल पूल द्वारा भरी जाती है। इसमें 74 सीट माइनॉरिटी नेटवर्क के लिए हैं जो चर्च द्वारा स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं। इसमें 10 सीट तमिलनाडु में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए जो सीएमसी वेल्यूर का स्टाफ कोटा है, सीएमसी वेल्यूर में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए उनके बच्चों के लिए इसमें 10 सीट रिजर्व है इसमें। इसके बाद में जो एडमिशन के टाइम में आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी लिस्ट यहाँ दी गई है, वो देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। इसमें फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की फीस दिखाई गई है, तो ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की फीस है। इसमें सेकंड ईयर में इसमें जो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेज है इसमें वो नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में फीस जो है वो 48,330 रुपये होगी। इसके बाद में जो बाकी कोर्सेज हैं उनकी भी यहाँ कंडीशन दी गई है,
उनके टेस्ट वगैरह की, इंट्रेंस एग्जाम की कंडीशन दी गई है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, बाकी ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी सीएमसी वेल्यूर में एमबीबीएस व अदर कोर्सेज में एडमिशन के प्रोसेस के बारे में। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चोपड़ा नीट इन्फॉर्मेशन चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप चैनल विजिट कर लें। आपने अभी तक हमारे दोनों चैनल चोपड़ा नीट इन्फॉर्मेशन और चोपड़ा एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।